हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम। एग्जाम फोरम के इस वीडियो में हम 30 मई 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य किसे बनाया है? तो हाल ही में IOC ने ओलंपिक चैनल कमीशन के सदस्य के रूप में चुना है भारत के नरेंद्र बत्रा को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जो ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य होता है ये ओलंपिक समिति का जो कार्यकारी बोर्ड होता है उसके सदस्यों के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है नरेंद्र बत्रा, इन्हीं को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य चुना गया है। नरेंद्र बत्रा जो कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी हैं, अध्यक्ष भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में, वर्तमान में इसके प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं थॉमस बाग। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ही द्वारा हर 4 साल के अंतराल पर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। ओलंपिक खेल 2 प्रकार के होते हैं, शीतकालीन ओलंपिक खेल और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। जो सबसे ज़्यादा फेमस खेल हैं ये हैं ग्रीष्मकालीन यानी कि समर ओलंपिक खेल। 2020 के जो समर ओलंपिक खेल हैं इनको कोरोना वायरस महामारी के कारण टाल दिया गया है। अब ये अगले साल 2021 में खेले जाएंगे जापान की राजधानी टोक्यो में। इसके 4 साल बाद 2024 में समर ओलंपिक खेल होंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अगले 4 साल बाद 2028 में समर ओलंपिक खेल होंगे अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में। 2022 के विंटर ओलंपिक खेल होंगे चीन की राजधानी बीजिंग में और 2026 में विंटर ओलंपिक खेल होंगे इटली के मिलान शहर में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कुवारेसा अब्दुल करीम को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं कुवारेसा अब्दुल करीम जो कि दक्षिण अफ्रीका देश की HIV शोधकर्ता हैं। इन्हीं को क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार है फ्रांस देश में विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। दक्षिण अफ्रीका देश के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। यहाँ की मुद्रा है रैंड। दक्षिण अफ्रीका देश की 3 राजधानियाँ हैं कौन कौन सी? एग्जीक्यूटिव प्रिटोरिया, जुडिशियल ब्लोमफंटेन, लेजिस्लेटिव केप टाउन। फ्रांस देश की राजधानी है पेरिस। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आपको 2 संस्थाओं के मुख्यालय याद रखना है कौन कौन सी? पहली संस्था है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और पेरिस में ही है यूनेस्को का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में आर श्रीलेखा किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP बनी है? तो जो आर श्रीलेखा हैं ये हाल ही में केरल राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक DGP बनी है। और जो DGP होता है, पुलिस महानिदेशक होता है, ये किसी भी राज्य के पुलिस विभाग का सर्वोच्च पद होता है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं आर श्रीलेखा, यही हाल ही में केरल राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है। जो आर लेखा हैं ये केरल की पहली महिला IPS अधिकारी भी थी। केरल राज्य के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल राज्य में आपको इरविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, पंपाडम सोला नेशनल पार्क, अनामुडी सोला नेशनल पार्क, ये सारे जो राष्ट्रीय उद्यान हैं आपको केरल राज्य में मिलेंगे। और केरल राज्य से आपको एक मंदिर का नाम याद रखना है, मंदिर का नाम है सबरीमाला मंदिर। जो सबरीमाला मंदिर है ये केरल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में थियरी डेलापोर्ट को किस कंपनी का नया CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और MD मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो थियरी डेलापोर्ट हैं इनको हाल ही में विप्रो कंपनी का नया CEO और MD नियुक्त किया गया है। विप्रो कंपनी जो कि भारत की एक IT कंपनी है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं थियरी डेलापोर्ट जो कि फ्रांस देश से हैं।
इन्हीं को विप्रो कंपनी का नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। विप्रो कंपनी जो कि भारत की एक आईटी कंपनी है, अध्यक्ष हैं रिशद प्रेम जी। विप्रो कंपनी का मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक। अब आपको कुछ अन्य भारतीय आईटी कंपनियों के मुख्यालय और उनके सीईओ के नाम याद रखने हैं। जैसे भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो कि टाटा ग्रुप की कंपनी है। टीसीएस के सीईओ हैं राजेश गोपीनाथन, मुख्यालय है मुंबई। भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है इंफोसिस, इंफोसिस के सीईओ हैं सलील पारेख, मुख्यालय है बेंगलुरु। HCL टेक्नोलॉजीज कंपनी के सीईओ हैं सी विजय कुमार, मुख्यालय है नोएडा उत्तर प्रदेश। टेक महिंद्रा कंपनी के सीईओ हैं सीपी गुरनानी, मुख्यालय है पुणे। तो ये हैं भारत की कुछ प्रमुख आईटी कंपनियां जिनके आपको सीईओ तथा उनके मुख्यालय याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हर साल संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस मेकर्स जो है ये हर साल मनाया जाता है 29 मई को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। यह दिन उन सभी महिलाओं और पुरुषों को समर्पित है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सैन्य, पुलिस या नागरिक के रूप में कार्य किया है। और इस साल का जो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस है, इसका थीम है, इसका विषय है विमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। विमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस ये है वर्ष 2020 के संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस का थीम। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, इसी दिन हर साल एक अवार्ड दिया जाता है, इस अवार्ड का नाम है संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये जो अवार्ड है इस साल दो लोगों को दिया गया है, कौन कौन से हैं? पहली है महिला मेजर सुमन गवानी और दूसरे सैन्य अधिकारी हैं ब्राजील देश से कमांडर काला मेट्रो इला डी कास्त्रो अरुजो। ये जो हैं ये ब्राजील देश से हैं, मेजर सुमन गवानी जो हैं भारत से हैं। और ये पुरस्कार पाने वाली मेजर सुमन गवानी पहली भारतीय सैन्य ऑफिसर बन गई हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यूनाइटेड नेशंस सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजी जाने वाली पहली भारतीय सैन्य ऑफिसर बन गई हैं मेजर सुमन गवानी जो कि उत्तराखंड राज्य से हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल हैं, महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल देश से हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत टोटल 193 सदस्य देश हैं। भारत भी यूनाइटेड नेशंस का एक मेंबर देश है। अब आपको यहाँ से तीन देशों के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से? ताइवान, वेटिकन सिटी और फिलिस्तीन। इन तीन देशों को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक पूर्ण राज देश का दर्जा यानी कि फुल्ली कंट्री का स्टेटस नहीं प्राप्त है, इन तीन देशों को ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र की 6 ऑफिशियल भाषाएं हैं, कौन कौन सी? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत यानी कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नियुक्त किया गया है TS3 मूर्ति को। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में जेपी मॉर्गन कंपनी ने साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया है? तो हाल ही में जेपी मॉर्गन कंपनी ने अपना साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का नया अध्यक्ष बनाया है लियो पुरी को, जो कि भारत से हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप जो फोटो में देख रहे हैं ये है लियो पुरी, इन्हीं को जेपी मॉर्गन कंपनी ने साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। जेपी मॉर्गन कंपनी जो कि एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है, यह इन्वेस्टमेंट और शेयर होल्डिंग कंपनी है जिसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। अब हम जान लेते हैं कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। तो साउथ एशिया में 8 देश आते हैं, कौन कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका। भारत जो है ये साउथ एशिया यानी कि दक्षिण एशिया में आता है। और साउथ ईस्ट एशिया में 10 से 11 देश आते हैं, कौन कौन से? इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर,
मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, कंबोडिया, ब्रुनेई, ये सारे जो देश हैं साउथ ईस्ट एशिया देशों में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश में 1100 साल पुराना शिवलिंग पाया गया है? तो हाल ही में वियतनाम देश में एक मंदिर की खुदाई हो रही थी जहां पर 1100 साल पुराना एक शिवलिंग यानी कि शिव जी की मूर्ति मिली है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वियतनाम। वियतनाम में एक मंदिर की खुदाई हो रही थी जहां पर 1100 साल पुराना शिवलिंग यानी कि शिव जी का एक मूर्ति मिला है। वियतनाम देश की राजधानी है हनोई, यहाँ की मुद्रा है वियतनामीज डोंग। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में FSDC की 22वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो हाल ही में FSDC की 22वीं बैठक हुई है जिसकी अध्यक्षता की गई है निर्मला सीतारमण के द्वारा। निर्मला सीतारमण जो कि वर्तमान में भारत की वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की मंत्री हैं। FSDC जिसका पूरा नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, जिसकी हर साल एक एनुअल मीटिंग होती है और इसकी हाल ही में 22वीं मीटिंग हुई है दिल्ली में जिसकी अध्यक्षता की गई है निर्मला सीतारमण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में केप जेमिनी समूह ने के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में केप जेमिनी कंपनी के नए CEO बने हैं एमान इज्जत, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। आप जो फोटो में देख रहे हैं एमान इज्जत, इन्हीं को केप जेमिनी कंपनी का नया CEO बनाया गया है। केप जेमिनी कंपनी जो कि फ्रांस देश की सबसे बड़ी IT और टेक्नोलॉजी कंपनी है, केप जेमिनी कंपनी का मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हो गया है। आपको बताना है कि अजीत जोगी जी किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो अजीत जोगी जी थे जो ये छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं अजीत जोगी जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये छत्तीसगढ़ राज्य के नवंबर 2003 तक मुख्यमंत्री रहे थे जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। जो छत्तीसगढ़ राज्य इसका गठन हुआ था वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश से अलग होकर। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य ने लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है रायपुर। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य ने हाल ही में किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ राज्य में आपको इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगर घाटी नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, ये सारे जो राष्ट्रीय उद्यान हैं आपको छत्तीसगढ़ राज्य में मिलेंगे। तो ये थे आज की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस संस्था ने NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।